Hello students. Uh, in this video, I am discussing some part of uh, set theory. So first of all, the some related formulae. So let's talk about. The, this is the universal set U. And we are talking two sets. This is the set A and this is the set B. And this is the portion of the shaded portion is the whole shaded portion is A union B. And this is common part A intersection B. Okay so number of a union b number of a number of element in set a plus number of element in set b when you consider the whole set of a plus the number of element in the whole set of b then this part a intersection b will include two times so subtract one times so when you have to count the number of a union b you have to add na plus nb minus of n of a intersection b ओके okay? ये फॉर्मूला तुम्हें मेमोराइज रखना है अच्छा अगर तुम्हें यह समझ में आता है कि कैसे सोचा जा रहा है तो वो तुम फॉर्मूले क्रिएट भी कर लोगे बहुत इजीली देखो जैसे यहां पे एन ऑफ ए माइनस भी आ रहा है ए माइनस भी मीन सेट ए में वो एलिमेंट चाहिए जो ए में है बट बी में नहीं होने चाहिए इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ए बट नॉट बी ए माइनस बी का मतलब ए बट नॉट बी तो एन ऑफ ए मतलब ये जो सैडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन ऑफ ए माइनस बी तो जो पूरा सेट ए है उसमें बट ये इंक्लूड नहीं है ये वाला पार्ट और जो ये पार्ट गया है ए इंटरसेक्शन भी तो इसको मैंने माइनस कर दिया तो वेन डायग्राम से जो रीजन वाइज है उसे हम कैसे काउंट करेंगे ये हम फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं बट कुछ तो हमें याद रखने और कुछ तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर लोगे तो देखो अब तीन सेट की बात करते हैं सपोज हम एक यूनिवर्सल सेट है हम किसी बात करें किसी सपोज तो, सपोज कि हम बात करें कि कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं कुछ लोग हॉकी पसंद करते हैं कुछ लोग फुटबॉल पसंद करते हैं तो वो तीन सेट की बात कर रहे हैं जैसे एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट सी को रिप्रेजेंट करता है तो नाउ ना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या है एटलीस्ट वन जैसे एटलीस्ट एक गेम में वो इन्वॉल्व है चाहे वो एटलीस्ट मतलब चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो फुटबॉल में हो चाहे वो Hice, में हो किसी ना किसी गेम को वो लाइक कर रहा है चाहे वो दोनों को लाइक कर रहा है वो चाहे वो तीनों को कर रहा है दो को कर रहा है बट तीसरे को नहीं कर रहा है तो वो एटलीस्ट किसी ना किसी गेम में वो इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट वन ए यूनियन बी यूनियन सी जो कि ये वाला जो सेडेड पोर्शन है यहां पे जो दिखाई दे रहा है तुम्हें ए यूनियन बी यूनियन सी चाहे वो ए में आ रहा है चाहे वो बी में आ रहा है चाहे वो कहीं भी आ रहा है गेम में इन्वॉल्व है है ना तो वो ये यूनियन बी सपोज कि मैंने एक पूरी क्लास में से तीन सेट क्रिएट किए, एक तीन सेट बनाए जो सपोज फुटबॉल खेलते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो खेलते हैं। अब कि से दस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं क्लास हो गया उसमें से तीन सेट बन रहे हैं जो क्रिकेट हॉकी फुटबॉल जो भी है और बाकी जो इस गेम में इन्वॉल्व नहीं है वो इस वाले रीजन में आ जाएंगे तो एन ऑफ यूनियन बी यूनियन सी ये क्या होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मतलब पहले तीनों इंडिविजुअली एक एक करके तुम्हें तो ऐड करना है फिर माइनस टू मतलब दो दो करके ए इंटरसेक्शन बी है फिर बी इंटरसेक्शन सी है फिर सी इंटरसेक्शन ए है ये माइनस करना है एक एक करके तुम्हें तो ऐड करना है दो दो करके तुम्हें तो माइनस करना है और फिर तीन करके मतलब तीनों का कॉमन पार्ट वो एक बार फिर से ऐड करना है तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो किसका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी यूनियन से कोई भी एक एटलीस्ट वन अब देखो ये वाला जो रीजन है ना ये ए यूनियन बी यूनियन सी है तो देखो ये कैसे फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है मतलब मुझे ये वाला रीजन काउंट करना है पूरा तो देखो मैंने पूरा पूरा ये वाला जो सेट है ए सेट ये कंसिडर किया फिर मैंने ये वाला सेट बी सेट कंसिडर किया फिर मैंने ये प्लस ये सी किया तो ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी वाला ये तो दो बार आ चुका है ये वाला जो तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो दो बार आ चुका है क्योंकि ये तो ए में भी आया और सी में भी आया ये वाला ए में भी आया और बी में भी आया और ये वाला जो पार्ट है जो बी और सी वाला ये भी दो बार आ रहा है तो जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ये दो दो बार आ रहे हैं तो एक एक बार करके माइनस किया जा रहा है ओके लेकिन जब तुमने माइनस किया तो देखो ये वाला जो तीसरा वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैं इसकी बात कर रहा हूं जो तीनों में आ रहा है ये वाला पार्ट ए के अंदर आया बी के अंदर भी आया सी के अंदर भी आया यहां पर थ्री टाइम्स कंसीडर किया गया और जब हमने माइनस किया तो वो तीन टाइम्स माइनस भी हुआ तो उसको वो तो जितनी बार आया उतने टाइम माइनस भी हो गया बट हमें तो कंसीडर एक बार करना है तो हमें उन्हें फिर लास्ट में उसे ऐड कर दिया तो ये टोटल पार्ट ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी यूनियन सी के आ रहा है तो रीजन वाइज वेन डायग्राम से बनाकर मुझे तुम्हें यह सोचना है कि मैं इस वाले रीजन को कैसे काउंट कर सकता हूं मुझे क्या कंसीडर करना है कंसीडर करने के बाद क्या ज्यादा ऐड हो चुका है उसको क्या माइनस करना है और माइनस करते करते कभी कर कभी ज्यादा माइनस हो रहा है तो फिर उसमें क्या रह गया जो फिर से ऐड करना है तो लॉजिकली अगर सोचेंगे तो इजिली फाइंड कर पाएंगे यह भी तुम्हें याद रखना है इसको भी यू हैव टू मेमोराइज बट अब देखो ना एग्जैक्टली टू अब मैं बात कर रहा हूं कि सपोज कि इन तीनों सेट में से अगर एग्जैक्टली exactly टू में आ रहा है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा तो अब ये जो फॉर्मूले एग्जैक्टली टू एटलीस्ट टू एटलीस्ट वन तो ये फॉर्मूले अगर याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ईजिली वेन्डाइग्राम में बनाकर क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूले को ओके okay? तो देखो देखिए ये ए, ये क्या है एक पूरा सेट है मतलब एक पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें तीन सेट ऐसे डिफाइन किए गए हैं मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली टू मतलब दो में आना चाहिए एग्जैक्टली दो में ही आना चाहिए तो दो वाला रीजन जो एक्जेक्टली दो वाला है वो ये वाला रीजन है जो ए और बी में आ रहा है ये वाला जो बी और सी में आ रहा है ए और सी में ये जो आ रहा है वो बी और सी में आ रहा है बट ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे ये ये नहीं लिया गया है ये तो बस ऐसे दिखा रहे कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये मुझे नहीं लेना है क्योंकि तो तीनों में है तो मुझे सिर्फ ये वाले पार्ट ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है इंटरसेक्शन सी में आ रहा है बी इंटरसेक्शन बी बट तीसरे में नहीं आना चाहिए दो में आना चाहिए तो ये वाला जो सैडेड पोर्शन है सेडेड पोर्शन में ये जो तीसरा वाला ये काउंट नहीं कर रहे हैं तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिया बी इंटरसेक्शन सी लिया सी इंटरसेक्शन लिया पहले मैंने ये पूरा लिया ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी बी फिर ये सी वाला लिया पूरा ये वाला फिर ये इंटरसेक्शन सी लिया तो ये जो तीसरा, जो ये जो तीसरा ये तीनों में जो आ रहा है ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी सी ये इसमें भी काउंट हुआ इसमें भी काउंट हुआ इसमें भी काउंट हुआ जबकि मुझे एक भी बार उसको लेना नहीं है तो मैंने तीन बार उसे माइनस कर दिया फिर ऐसे सोचेंगे अगर वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है वेन डायग्राम में समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है तो इजिली निकाल सकते हैं अब देखो ना एटलीस्ट टू तो एटलीस्ट टू का डायग्राम में क्या होगा टू मतलब टू भी हो सकते हैं और थ्री भी हो सकते हैं तो ये वाला जो पार्ट है जो जो तीसरे का ये जो वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी ये भी शामिल हो जाएगा तो देखो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन बट ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये जो तीन मतलब ये तीनों का जो कॉमन पार्ट है ये तो तीन बार काउंट हो चुका है बट वी हैव टू टेक वन टाइम्स सो माइनस टू टाइम्स तीन बार कंसीडर हुआ है एक टाइम दो टाइम माइनस किया गया तो एक बार चाहिए इसमें इसलिए इस वाले में नहीं चाहिए था तो तीनों बार माइनस कर दिया था तो ये एटलीस्ट हुआ है ये एग्जैक्टली exactly डू है तो इजिली वेन डायग्राम से फॉर्मूले निकाल सकते हैं देखो अच्छा